राज्य समर्थक होने की आपको सजा मिली है। मैं लिटरली बहुत नेताओं को मारा, इन नेताओं ने। एक ये आप इलेक्शन हार गए, हम रोज हारते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि आपने क्या गुल खिलाए राजगढ़ के अंदर। उनके बेटे पराक्रम की कसम खा रहे थे कि मैंने भी कभी जातिगत राजनीति नहीं की। देखिए काका की ये कहानी अलग है, उन्होंने दो बार लगातार भाषणों में बात कही है। वो एक बार दिखाएं कि जहाँ मैंने सामंतवाद की बात करी हो, मैं सामंतवाद सोच की बात करी है, और वो उनकी सोच है, वो स्वीकार लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चुनाव लड़ने आए थे तारनगर के अंदर, एरोगेंस से भरपूर थे वो, उनको ये लगता था कि ये यूँ जीतूंगा मैं, किसी की जरूरत नहीं है। समाजों की मीटिंग करी किसने, आपके परिवार के सदस्य ने क्या भाषण दिया सदाशय ब्लड कैंप से। आप चुनाव हारते हो और आप 32-32 एक ही समाज के अधिकारियों का ट्रांसफर कर देते हो। कैसे आपके घर बैठकर अधिकारी लिस्ट बनाते हैं कि कौन सा सिपाही कहाँ जाएगा, कैसे हराएंगे। चुरू में देवेंद्र है और केंद्र में नरेंद्र है, बीच में राजेंद्र भी तो है। नाकों से धुआं निकाल दूंगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे नहीं चलता है भाई। एक जो चीज जनता जाननी चाह रही है कि राहुल कसवा ने अपना फैसला तो ले लिया कांग्रेस पार्टी में आने का, राम सिंह कसवा से उनकी क्या बात हुई थी जब टिकट कटा। और एक इसी में सवाल कि क्या ऐसा हुआ है कि वसुंधरा राजे समर्थकों का टिकट कटा है सांसदी में। देखिए मेरे फादर तो 15 साल पहले ही वसुंधरा जी को बोल चुके थे कि हम दोनों एक पार्टी में रह नहीं सकते, इसमें एक आदमी दो बार। पैमाना कौन तय कर रहा है, आपको नहीं लग रहा है पार्टी पैमाना तय कर रही है। पार्टी में कौन है सर, को कंप्यूटर थोड़ा लगा हुआ है, कोई AI थोड़ा है, है तो इंसान ही। अगर वो इंसान बायस हो जाएंगे तो कैसे पब्लिक स्वीकार कर लेगी भाई। अगर पार्टी लीडरशिप आपसे उस दिन बात कर लेती तो कि मत लड़ो राहुल चुनाव, मैं जरूर। वो आज चूरू की भारतीय जनता पार्टी में नजर आता है, कभी आप ये कैमरा हटा के देख के जाके देख पूछ के आना। कोई जीत गया तो मेरे कारण जीता है भाई, आप कुछ भी नहीं हो, बहम तोड़ो। और इस बार ये चुनाव बहम तोड़ने का काम करेगा। चुनावी यात्राएं जोरों पर हैं और मेरे साथ राहुल कसवा हैं। नामांकन इन्होंने दाखिल कर दिया है और जो सभा, नामांकन सभा बुलाई गई चुरू में, बड़ी एक विशाल वहाँ पर सभा, जहाँ पर खूब फटकारे चले गोविंद सिंह डोटासरा के। राहुल कसवा का भाषण भी बड़े चर्चाओं में रहा, तमाम नेताओं ने अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन राहुल कसवा से ही हम जानते हैं किस प्रकार की तैयारियां हैं, कैसे चुनावों में जब मतदान के लिए कुछ ही दिन शेष हैं कैसी राहुल कसवा की तैयारियां चल रही है। और जो कल देवेंद्र झाझड़िया के नामांकन से बातें हुई हैं वहां पर उनको लेकर क्या सोचते हैं राहुल कसवा। राहुल जी बहुत बहुत पहले तो स्वागत, कैसी रही पूरी तैयारी, पूरी सभा जो अभी तक हुई है। देखिए अच्छा रहा, बहुत कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। मैं बीते हुए काफ़ी दिनों से हर तहसील हेडक्वार्टर पर जाकर मेरे कांग्रेस परिवार में जब शामिल हुआ हूँ तो सभी कार्यकर्ताओं से नेताओं से मिल रहा हूँ, और मैं जहाँ पर भी गया हूँ, चाहे वो नौहर हो, चाहे बहादुरा में बड़ी ऐतिहासिक रैली रही, सुजानगढ़ में बहुत कम नोटिस पे, सरदार शहर में भी, रतनगढ़, हर जगह, चूरू फॉर देट मैटर, और तारनगर भी, राजगढ़ में, मतलब कि ओवरऑल जो कांग्रेस परिवार के जो कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने मेरा बड़ा मान सम्मान दिया और बहुत खुले मन से, गर्म जोशी से मेरा स्वागत और स्वीकारा है मुझे एक सांसद के रूप में जो प्रत्याशी बनाया पार्टी ने। तो मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि हमने इतने सालों की पॉलिटिक्स में कभी द्वेषता नहीं फैलाई, कभी हमने तू मैं नहीं किया। मेरे आगे मंडेले जो दो बार चुनाव लड़े, हमने प्रति भर भी धर्म के ऊपर राजनीति नहीं जाने दी, हमने कभी जातियों का सहारा नहीं लिया, तो वो आज कहीं ना कहीं चीज़ वो पे कर रही है। जातियों के सहारे पर तो राजेंद्र राठौड़ भी कल मंच से उनके बेटे पराक्रम की कसम खा रहे थे कि मैंने भी कभी जातिगत राजनीति नहीं की। देखिए काका की ये कहानी अलग है, काका ने जो कहते हैं ना, उनकी कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है हमेशा। हमेशा क्यों नहीं करी, वो तो कह रहे हैं कि मेरा भतीजा मुझे सामंत कह रहा है। मैंने कभी नहीं, मैं सामंतवादी सोच का है। देखो अब यही आप यहीं से पकड़ा करो, आप उनने दो बार लगातार भाषणों में बात कही है, वो एक बार दिखाएं कि जहाँ मैंने सामंतवाद की बात करी हो, मैं सामंतवाद सोच की बात करी है, और वो उनकी सोच है, वो स्वीकार लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इतने बड़े सफर राजनीति में उनका भी रहा है, पब्लिक के अंदर जो अपने आपकी परसेप्शन अगर बन जाता है पब्लिक में आपका, वो फर्ज बनता है, आप ही उसको चेंज करो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, जिस दिन चुनाव लड़ने आए थे तारनगर के अंदर, एरोगेंस से भरपूर थे वो, उनको ये लगता था कि ये यूँ जीतूंगा मैं, किसी की जरूरत नहीं है। समाजों की मीटिंग करी किसने, आपके परिवार के सदस्य ने क्या भाषण दिया सदाशय ब्लड कैंप से, कि आगे का नाम की जरूरत नहीं है, पीछे वाला नाम का इशारा कर देना बस, मैं सब अपना देख लूंगा। पराक्रम की बात कर रहा हूं, मैं किसी का नाम लूंगा नहीं क्योंकि वो राजनीतिक मंच पे नहीं है और मैं नहीं चाहता मैं किसी का नाम लूं, पर उनके खुले मंचों की वीडियो वायरल हुए हैं, कितने बड़े जो इनके बहुत नज़दीकी हैं, बहुत खास हैं, इनके अजीज हैं, अजमेर के मंच से क्या बातें कही,
आप चुनाव लड़ रहे हो तारनगर में, जो किसान बहुल्य जाट बहुल्य क्षेत्र है, और आप ऐसे व्यक्तियों के साथ दिखते हो तो आपका कटाक्ष भी नहीं करते? क्या बोले वो लोग? कौन होते हैं ठेकेदार? वो इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया कि 35-1 हो जाओ, क्यों? कौन है ये लोग? आपने कब किया? मैं जब बसपा से चुनाव, मैं जब चुनाव लड़ा था 2014 के 2019 में 2014 के अंदर, जब बसपा के उम्मीदवार थे, लोगों नारे दिए, इन्हीं के लोगों को इन्हीं की गाड़ी में हमने पकड़ाया जोरों बार चुनाव के प्रचार के दौरान, मैं सब रोको, चार छाती पे वोट दो हाथी पे। ये आज कोई नई बात नहीं है। इस तरह देखो जी, क्या है कि परसेप्शन आप लोगों ने मीडिया के थ्रू एक स्टेट लीडरशिप में अलग बना लिया इनका, पर यहाँ का लोकल आदमी सब जानता है कि इनकी मानसिकता, इनका सोच कैसा रहा है, और बंद कमरों में किस रूप में बात करते हैं, ये किस तरह एड्रेस करते हैं, क्या बातें करते हैं बंद कमरों में, आपको जानकारी? मैं राजनीतिक के अंदर इस थोड़े से स्तर को मैं गिराना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मैं सब बातें करूँ, पर ये जरूर है कि मैं बिल्कुल टोटली इनकी जो मानसिकता है, जो इनकी सोच है, काफ़ी कुछ सहन किया, और इन्होंने पार्टी में भी लोग थे जो बैलेंस करते थे, इनकी भाषा ऐसी, शैली जो ऐसी रही है, सोच ऐसी रही है कि अब हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट वही कुछ नहीं बोल रहे, सब नतमस्तक हो रहे हैं, सब ऐसे दबाव में आ रहे हैं, ऐसे में तो प्रजातंत्र चल नहीं सकता। आप चुनाव, हम पार्टियां से बड़ा इंसानियत होती है, आज लोगों का दम घुट रहा है जी, और लोग नहीं सहन करेंगे, और चूरू की जनता ने मन बना लिया अपना, चूरू लोकसभा इस बार इनकी पर्सनालिटी, इनकी विचारधारा, आपने देखा, आपने कांग्रेस का खाता मतलब आप खोल रहे हैं राजस्थान में? 100% खोलेंगे जी। आप चुनाव हार जाते हो, हम्बलनेस, द मोर पावर यू गेट यू हैव टू बी हम्बल, दैट इज द प्रायोरिटी मैन। वेयर आर यू लिविंग, इन विच वर्ल्ड यू आर इन? कहां हम्बलनेस चाहिए? आप इलेक्शन हार गए, हम रोज हारते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि आपने क्या गुल खिलाए राजगढ़ के अंदर। आप चुनाव हारते हो और आप 32-32-1 की समाज के अधिकारियों का ट्रांसफर कर देते हो, कैसे आपके घर बैठकर अधिकारी लिस्ट बनाते हैं कि कौन सा सिपाही कहाँ जाएगा? क्या मैसेज देना चाहते हो? नहीं सर, कैसे हराएंगे? चुरू में देवेंद्र है और केंद्र में नरेंद्र है, बीच में राजेंद्र भी तो है, लोग तो उसी को देख रहे हैं भाई, लोग तो उनको देखते हैं ना कि यही तो है, ये यहाँ पे ना जिएगा ना जीने देगा, ये हर आदमी को बुला बुला के, आज भी 2 दिन पहले का वायरल देखो वीडियो, नाकों से धुआं निकाल दूंगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे नहीं चलता है भाई। आप डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी में हो, डेमोक्रेटिक वे ऑफ आपकी भाषा होनी चाहिए, और डेमोक्रेटिक वे से आप काम करिए, लोगों के दिल जीतने की कोशिश करिए, डरा नहीं सकते आप, और हम डरने वालों से बिल्कुल भी नहीं है। एक आपकी गुडविल देखी जा रही है कि आपने कांग्रेस पार्टी को बड़ा एकजुट कर लिया चुरू में, कृष्णा पूनिया भी आ गई हैं, लेफ्ट भी एक तरफ, जब बलवान पूनिया चुनाव लड़ना चाह रहे थे तो वो भी अब आपके साथ हैं, कैसे ये आपने काम किया है और किस तरीके से कांग्रेस के लिए आप ये पहली सीट यहाँ से खोलने जा रहे हैं जो पिछले 2 चुनावों का जो गणित रहा है उसके मुताबिक? देखिए, मैंने पार्टी के अंदर मेरे सभी नेतृत्व को भी मैंने ये बात कही है कि मैं आपके लिए एक बहुत स्ट्रांग एसेट रहूँगा, मुझे छोटी पॉलिटिक्स न कभी कल करनी थी न मुझे आज करनी थी, मैं एक साफ सुथरी डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, मेरा पैशन है, मैं मेरा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं पैशन के साथ करता हूं कि मेरा लोकसभा क्षेत्र हर उस फील्ड में, चाहे हाईवेज हो, हाईवेज के पास में सर्विस लेन भी क्यों ना हो, मैं एक एक चीज़ को पैशन के साथ देकर चलता हूं, मैं मेरा काम करवाता हूं, और मैं छोटी राजनीति का हिस्सा नहीं हूं, सबको मेरी बातों में विश्वास है, कॉन्फिडेंट है वो लोग, और सब मन से लगे हैं। मैं तो इतना खुश समझता हूँ किस्मत अपने आप को कि कृष्णा जी, हमने तो आमने सामने चुनाव भी लड़ा है, पर जिस तरीके से उन्होंने हमारा मान सम्मान दिया है, जिस तरह से उन्होंने इस बात को स्वीकारा है, और एक नई शुरुआत हम लोगों ने करी है, आप देखना आने वाले कल के अंदर कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत होगी चूरू लोकसभा के अंदर। एक जो चीज़ जनता जाननी चाह रही है कि राहुल कस्वा ने अपना फैसला तो ले लिया कांग्रेस पार्टी में आने का, राम सिंह कस्वा से उनकी क्या बात हुई थी जब टिकट कटा? और एक इसी में सवाल कि क्या ऐसा हुआ है कि वसुंधरा राजे समर्थकों का टिकट कटा है सांसदी में? देखिए, मेरे फादर तो 15 साल पहले ही वसुंधरा जी को बोल चुके थे कि हम दोनों एक पार्टी में रह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके की सोच और राजनीति करता है ये व्यक्ति, हम उसके सहनी नहीं है, न हम सहन कर पाएंगे, न हम सहन, और इसको हम स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे। 15 साल पहले चीज़ें क्यों नहीं बदली? उस समय मैंने हमेशा ये बात हर प्लेटफॉर्म पर कही है, आपके ही नहीं, कि उस समय पार्टी के अंदर एक नेतृत्व में जान थी, ताकत थी, बोलने की क्षमता थी, दोनों पक्ष को सुना जाता है। आज अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं स्टेट लेवल पे, उन्होंने बायस होकर काम किया है, इसलिए नतीजा ये आया। आपने एक, मेरा अकेले की बात नहीं है, टिकट नहीं है इशू,
ये जो लोगों को भ्रमित कर रहे ना कि मौका दे दिया मौका दे दिया, हमको तो दो बार मौके में परेशान हो गए, इनको तो आप नौवीं बार राजसमंद भेज रहे थे। क्या है ये, एक ही पार्टी, हम कहते, आपने मुझे कहा कि एक परिवार में दो टिकट नहीं, एक ही बार कहा पार्टी ने, हमने हमने उफ तक भी नहीं करी, हमारी मदद की हमने सीट छोड़ दी। और सर सीट नहीं छोड़ी, 47 साल बाद पहली बार हमने इलेक्शन लड़ा नहीं, और आपने वहीं दूसरी तरफ एक ही घर में दो टिकट दे दी ना आपने। अभी भारतीय जनता पार्टी ने दो टिकट दिए हैं, अभी पार्टी ने उन लोगों को टिकट दिए जो 6-6 बार के एमपी हैं या 4-4 बार के एमपी हैं, अभी पार्टी ने उनको टिकट दिए जो 75+ के हैं। तो कौन सा पैमाना है, आप या तो संविधान लेके आइए बदल दो ना, संविधान बदलने की बात हुई ये बदल दो कि इसमें एक आदमी दो बार। पैमाना कौन तय कर रहा है, आपको नहीं लग रहा है पार्टी पैमाना तय कर रही है? पार्टी में कौन है सर, कोई कंप्यूटर थोड़ा लगा हुआ है, कोई एआई थोड़ा है, है तो इंसान ही, अगर वो इंसान बायस हो जाएंगे तो कैसे पब्लिक स्वीकार कर लेगी भाई। राज्य समर्थक होने की आपको सजा मिली है? मैं नहीं मानता जी, मैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की मैं बड़ी भारी इज्जत करता हूँ, कल भी करता था और आज भी करता हूँ। उन्होंने हमेशा पार्टी के अंदर लीडरशिप को क्रिएट किया है। राजस्थान वो स्टेट है जहाँ पे लोगों की आवाज़ को भैरव सिंह शेखावत जी ने और मैडम वसुंधरा जी ने मजबूती से उठाया है और लोगों को पुश भी किया है, प्रमोट भी किया है। मैडम ने हमेशा हमारा साथ दिया है और आज वो भारतीय जनता पार्टी की, आज भी भारतीय जनता पार्टी की वो उपाध्यक्ष हैं, और जब मैं पहले था तब भी उपाध्यक्ष थी, मैंने पार्टी लाइन से कोई बाहर काम नहीं किया। आप हमलावर क्यों नहीं हो पा रहे हैं पीएम मोदी पर और देवेंद्र झाझड़िया पर? देखिए सर, मैं पीएम साहब की बारे में मैं इतना कहता हूँ, मैंने उनके साथ 10 साल काम किया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं जानता हूँ कि इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं वो, और बोलने को लोग कुछ भी बोले। आप कह रहे हैं उनको जानकारी नहीं है यहाँ की? 100% मैं नहीं मानता कि उनको जानकारी होगी, मेरे तो मेरी आत्मा कहती है, हो सकता हो मेरी आत्मा कहती है कि इतनी छोटी बात के लिए कोई इतना बड़ा फैसला लेता नहीं है। अगर किसी एक व्यक्ति को नाराजगी है पार्टी के अंदर तो आप उस व्यक्ति का कैरेक्टर भी तो देखोगे, सालों साल की मेहनत देखोगे। मैं नहीं मानता कि पीएम साहब के मन में ये बातें या उनके दिमाग में या उन तक ये बातें पहुंचाई गई होंगी। आपने कोशिश नहीं की थी क्या? सर मुझे पता ही नहीं, मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मैं तो मेरे काम लगा हुआ था, मैं बताया आपको पहले भी, मैं तो 1 तारीख को मेरी मीटिंग ले रहा था। आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ बिकॉज आई डिड अ गुड जॉब, आई न्यू इट, आई वॉज ऑनेस्ट, मैं अपना काम कर रहा था, हार्डवर्क कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट के हम नए आयाम खड़े कर रहे थे। सो देयर वॉज नथिंग एज सच कि मुझे लगा कि ऐसा होने वाला है क्या होगा, होता तो शायद मैं सबसे मिलता। एक सवाल का जवाब रह गया, राम सिंह कस्वां से क्या बात हुई आपके, आपके पापा से जब टिकट कटा? बिना पापा के तो बेटा क्या करेगा जिंदगी में, पापा की तो हर चीज़ में हाँ है, वो जानते हैं और वो बहुत खुश हैं कि मैंने उनके निर्देशानुसार ये फैसला लिया है, और ये फैसला मेरी लोगों की, मेरे कार्यकर्ताओं की आवाज़ थी कि हम घर नहीं बैठ सकते, हमें उठना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी इतने सारे चुनाव लड़ने के बाद फिर से? देखिए मुद्दा चुनाव का है ही नहीं, मुद्दा तो बात का है, और जो बात का नहीं फिर बात नहीं। हट पर हैं आप लगता है? 100%, कोई किंतु परंतु नहीं, सोच समझ के लिया है जी, आंख खोल के लिया है, 2 रातों की सोया नहीं था, फैसला यहाँ से लिया है। अगर पार्टी लीडरशिप आपसे उस दिन बात कर लेती तो कि मत लड़ो राहुल चुनाव ये बार? मैं जरूर कुछ न कुछ इस पर विचार करता, पर फिर ये सिस्टम को भी चेंज करना पड़ता, एक व्यक्ति को आपने इतनी पावर दे रखी है बहुत गलत है। बहुत से, मैं बता रहा हूँ आपको, लिटरली बहुत नेताओं को मारा इन नेताओं ने, एक बहुत से कार्यकर्ताओं का दम घुटता है, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता पार्टी में बैठ गए कुर्सियों पे कि नेतृत्व जिनके साथ जनता खड़ी है वो तो बैठते हैं नीचे, और जिनके साथ खुद परिवार भी ढंग से नहीं है ना, वो बैठते हैं ऊपर कुर्सियों पे। ह्यूमिलेशन कोई वर्ड है वो आज चूरू की भारतीय जनता पार्टी में नज़र आता है। कभी आप ये कैमरा हटा के देख के जाके देख पूछ के आना, जो पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष होंगे या पार्टी के अंदर और पदाधिकारी रहे हैं, किस तरह की फीलिंग्स आती हैं इनकी मीटिंग्स के अंदर, यू फील चीटेड। वो कोशिश करेंगे, जैसे राहुल कस्वां को आज स्टेज पे बुलवाना है तो मेरा नंबर देंगे वो 12वां, कि 12वां नंबर पे एमपी बोलो ठीक रहे, जलालत कराना में ये ना छोटे छोटे हरकतें इनकी, और ये अति है, मैं इस अति के खिलाफ खड़ा हूँ, मजबूती से हूँ। आखिरी सवाल, आपको लगता है राजपूत समाज का वोट आपके साथ आएगा? देखिए बात समाज की है ही नहीं जी, क्यों समाज को बीच में लेके आते हैं? किसने कहा? हमारे 500 मित्र हैं, 100 लोग हमें जानते हैं, अरे हम जानते हैं ना, वो आज ये लोग क्यों बार बार बोल रहे हैं सामंतवाद, ये तोड़ना चाहते हैं उस बंधन को, अपने बारे में नहीं बात करते कि मेरे कैरेक्टर के बारे में बात की गई तो मेरे पास में ये चीज़ है, बताइए पब्लिक को, समाज को क्यों लेके आते हैं? हम तो समाज की बात ही नहीं करते ना, हम तो बात करते हैं सामंतवादी सोच कि 2024 के अंदर जब चंद्रयान पहुंचने की बात पीएम साहब करते हैं, ऐसे के अंदर कुछ व्यक्ति आज भी गांव गुआंडों में बैठे हुए हैं और वो आज भी लोगों को दबाने कुचलने की, उनके मैंने बना दिया, मैं करता हूँ, मैंने, मेरे कारण तेरा अस्तित्व है,
कोई जीत गया तो मेरे कारण जीता है भाई, आप कुछ भी नहीं हो, बहम तोड़ो और इस बार चुनाव बहम तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, ये थे राहुल कस्वा, शानदार नामांकन आज दाखिल कर कराए बड़ी सभा के साथ में। लगातार ऐसे विभाग इंटरव्यू में आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए राजस्थान चौक।